हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट करियर पर। दोस्तों, फाइनली आईपीओ ने ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल क्या होने वाला है और आप लोगों को इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों, सारी बातें आज के इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, तो जाने के लिए आज का वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोग कोई गलती ना करें। दोस्तों, इसके लिए आईपीओ ने एक नोटिस अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, तो आप लोगों को नोटिस दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है वो नोटिस। आप लोग देख सकते हैं ये 7 जुलाई का नोटिस है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो 3 स्टेप आप लोगों को फॉलो करना होता है, सबमिशन ऑफ काउंसलिंग फी, दूसरा रजिस्ट्रेशन और तीसरा चॉइस फिलिंग। तो उनमें से सबमिशन ऑफ काउंसलिंग फी और रजिस्ट्रेशन की डेट उन्होंने बता दी है, चॉइस फिलिंग की डेट अभी उन्होंने नहीं बताई है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी चॉइस फिलिंग को लेकर या और कोई नई अपडेट आएगी, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा या आप लोग वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबमिशन ऑफ काउंसलिंग फी और रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट्स हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 8 जुलाई मंडे को शाम को 5 बजे से लेकर 13 जुलाई शनिवार को 4 बजे तक आप लोगों की काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन फी का सबमिशन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कोर्सेज के नाम इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं, 27 कोर्सेज हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है टोटल 27 कोर्सेज जिनके लिए आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे 4 कोर्सेज के नाम और दिए गए हैं जिनके लिए काउंसलिंग आपकी 9 जुलाई को मंगलवार को शाम को 5 बजे से लेकर 13 जुलाई शनिवार को 4 बजे तक होगी। ये 4 कोर्सेज के नाम और हैं, आप लोग इसे भी देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोगों को इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, सारी बातें मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है सबमिशन ऑफ काउंसलिंग फी। इसके लिए दोस्तों 1000 रुपये की नॉन रिफंडेबल फी है जो आप लोगों को पे करना है और ये कंपलसरी है, पहला स्टेप होता है। इसके लिए आप लोगों को जाना होगा आईपीयू की वेबसाइट पर जो कि है ipuadmission.nic.in। यहाँ पर जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेमेंट ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी, आप लोगों को उसको सेलेक्ट करना होगा और अपनी डिटेल को डालना होगा, जैसे कि आपको वहाँ पर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल के आपको वहाँ पर एंटर करना होगा। दोस्तों, सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला मिलेगा कैश पेमेंट और दूसरा मिलेगा नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो आप लोग कैश पेमेंट भी कर सकते हैं किसी भी इंडियन बैंक में चालान के थ्रू, और दूसरा ऑप्शन नेट बैंकिंग का है, आप लोग इसके थ्रू भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों को उसका प्रिंट आउट जरूर से जरूर निकाल के रख लेना है, और अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट नहीं होता है तो इस केस में आपको पेमेंट दोबारा करना होगा। और दोस्तों, आपने जो पहले पेमेंट की है वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। और उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके हेल्प डेस्क पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश पूरी करूंगा। दोस्तों, सबमिशन ऑफ काउंसलिंग फी के बाद सेकेंड स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन। ये ऑप्शन आप तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आपने फी का पेमेंट 1000 रुपये का कर दिया होगा। तो इसके लिए आप लोगों को फिर से जाना होगा आईपीयू की वेबसाइट पर जो कि है ipuadmission.nic.in। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को डिटेल डालनी होगी अपनी, जैसे कि पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। और सारी डिटेल डालने के बाद जब आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा। दोस्तों, ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है, आप इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं लेकिन लॉगिन आईडी आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, ये एक ही बार मिलती है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा या आप लोग इसे कहीं नोट भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर आपने कोई गलती कर दी है, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग वहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को। जब आप अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से फिल कर दें और आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाए तो उसके बाद आप यहाँ का 2 प्रिंटआउट जरूर से जरूर निकाल लें, ये आपको बाद में काम आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग सबमिशन ऑफ काउंसलिंग फी और रजिस्ट्रेशन का स्टेप कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपने एमबीए के लिए अप्लाई किया हो तो एमबीए के लिए 9 जुलाई को शाम को 7 बजे आपका डिटेल्स आ जाएगी वेबसाइट पर, तो आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ वीडियो को भी खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर दूंगा।